सो हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम सिंह ब्लॉग्स। काफी दिनों की कोई नई वीडियो आई नहीं यूट्यूब पे, लेकिन उस टाइम की भरपाई करने के लिए मैं एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जो आपका दिल खुश कर देगी। इंटीरियर्स की वीडियो, थार के इंटीरियर की वीडियो। जी हाँ, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके मैंने ये कुछ क्लिप्स जमा किए हैं जिसमें आपको थार के जो इंटीरियर है उसके बारे में ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं गियर बॉक्स से। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि जो गियर बॉक्स आने वाला है वो 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन आने वाला है। अभी तक जो दिखाई दे रहा है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी आ सकता है लेकिन मैनुअल कन्फर्म है। साथ ही साथ 4x4 का गियर लीवर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन जो 4x4 के गियर के ऊपर नॉब है वो दूसरा है, वो बाद में चेंज कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद जो AC कंसोल है वो महिंद्रा TUV के जैसे दिखाई दे रहे हैं एकदम एग्जैक्टली। और महिंद्रा TUV के अंदर एक फंक्शन है इको AC का, वो हमें इसके अंदर भी दिखाई दे रहा है। इको AC जो कंसोल है AC का वो महिंद्रा TUV का है। उसके बाद इस बार महिंद्रा ने थोड़ा ध्यान दिया है कि स्टोरेज स्पेस के ऊपर, स्टोरेज स्पेस के लिए थोड़ी जगह बनाई हुई गियर के सामने और AC कंसोल के नीचे, ताकि हम अपना मोबाइल तो रख सकें वहाँ पर। तो इस बार महिंद्रा ने थोड़ा ध्यान दिया है कि स्टोरेज स्पेस का अच्छे से यूज़ किया जाए। उसके बाद बात करते हैं जो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम रहेगा, वो काफ़ी बड़ा होने वाला है क्योंकि जगह बहुत बड़ी दी है इन्होंने। तो हो सकता है कि काफ़ी बड़ा सिस्टम दे या फिर ना दे या फिर ऑप्शन में दे, तो इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। और जो स्टेयरिंग व्हील लिया गया है वो XUV300 से लिया गया है, जिसके ऊपर थोड़े बहुत माउंटेन कंट्रोल्स भी रहेंगे। और इस नई इमेज में हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो XUV300 से लिया गया है विद सम मॉडिफिकेशन। जैसे XUV300 का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इतना रिफाइंड नहीं जितना इसका दिखाई दे रहा है। इसमें हमें एक अलग से टेम्परेचर गेज दिखाई दे रहा है और साथ में एक फ्यूल मीटर भी दिखाई दे रहा है। और इस इमेज में हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि गाड़ी ऑलमोस्ट 90 टच करके चल रही है। और मेरे सोर्स ने मुझे ये भी बताया कि ये स्पीड तब की थी जब गाड़ी ने एकदम पिकअप लिया था। तो इससे हमें साफ पता चलता है कि गाड़ी के अंदर पिकअप अच्छा होने वाला है। और साथ ही साथ गाड़ी की जो स्पीड है वो हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 100 से ऊपर जा रही है। और सबसे आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारा ट्रिप मीटर होता है कि हम सेट करते हैं कि हम कितना किलोमीटर चले हैं, उसमें एक इन्होंने छोटा सा ट्विक किया है। वो ट्विक ये है कि जब ये डिस्टेंस दिखाएगा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हम कितना गए, उसमें एक छोटी सी थार डिज़ाइन की इन्होंने जो बहुत ही अच्छी लुक और फील देती है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को, कि हाँ ये थार के लिए डिज़ाइन किया गया है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ मैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली हो। तो मिलते हैं अगली कोई ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।